असली में ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो नहीं होता है जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा। तो जो ब्रह्म को जान लेता है या जानने का प्रयास करता है वो ब्राह्मण बन जाता है, उसका जन्म कहीं पे भी क्यों ना हुआ हो। पर ऐसे लोग जिनका जन्म बेशक ब्राह्मण कुल में क्यों ना हुआ हो मगर वो ब्राह्मण जैसे गुण अनुकूल नहीं करते हैं, उनके जैसे कार्य अनुकूल नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बेशक पीछे शर्मा लगा हो, त्रिविधि लगा हो, चतुर्विधि लगा हो, मगर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा क्योंकि ब्राह्मण जैसे गुण अर्जित नहीं किए। तो इसलिए कई बार हम लोगों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, तो उनके शरीर तक ही सीमित हो जाते हैं हम लोग, मगर हमें शरीर से भी पीछे देखना है, उससे पीछे झांकना है कि उनकी भक्ति का स्तर क्या है। सो वन मे बी बॉर्न इन अ लो फैमिली, वन मे बी हैविंग डिजीज, और वन मे बी हैविंग अ डिफॉर्म्ड बॉडी, उसके शरीर में कुछ अनुकूल नहीं है, अनुपात में नहीं है, नाक बड़ी बड़ी है, पेट निकला हुआ है, काले रंग का है, कुछ भी हो सकता है शरीर में डिफॉर्मेशन, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा भक्त हो सकता है। जैसे गंगा है, तो गंगा में आप जाएं, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे, उसमें आपको मिट्टी दिखेगी, उसमें कई बार आपको हो सकता है फोम भी दिखे, मगर फिर भी लोग क्या करते हैं, गंगा में जाते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा मैली नहीं हो जाती है। मैली चीज़ों के गंगा में होने से गंगा मैली नहीं होती है, गंगा तो उतनी ही पवित्र है। सिमिलरली भक्त बेशक एक ऐसे शरीर में अभी आ गया है जो रोगी है, या वो डिफॉर्म्ड है उसका शरीर, या उसका ऐसे घर में उसको जन्म मिला है जहाँ पे वो बड़े निम्न जाति का है, मगर उसके बावजूद वो भक्त मैला नहीं होता, उसकी भक्ति उस मैलेपन को छूती नहीं है। तो जैसे कमल खिलता है, कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में है फिर भी कीचड़ में नहीं है। तो ऐसे ही एक भक्त बेशक उस निम्न जाति में उसका जन्म हुआ है मगर फिर भी वो निम्न नहीं है क्योंकि उसने भक्ति को स्वीकार कर लिया है। कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम हरे राम।